हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कापेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, फाइनली टोयोटा की तरफ से इनकी एक और मच अवेटेड कार टोयोटा ड्यूमियन को मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये कार जो मारुति एंड टोयोटा का जॉइंट वेंचर चल रहा है, इसी के तहत बनाई गई है। इससे पहले आपने मारुति बलेनो को ग्लेंजा के नाम से टोयोटा में बिकते हुए देखा होगा। उसके अलावा जिस तरह से विटारा को हाईराइडर के नाम से टोयोटा में सेल किया जाता है, उसी तरह से ये कार आर्टिगा का एक रीबैच वर्जन है, जो कि अब आपको टोयोटा के शोरूम में देखने को मिलेगा टोयोटा रिमियन के नाम से। तो इस कार में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इस कार का प्राइस क्या है, क्या क्या नए फीचर्स इस कार में ऐड हुए हैं, आज सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना भी ना भूलिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने के लिए, एंड आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है इसके लिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं एंड बताता हूँ मैं आपको इस कार के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस कार में मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इस कार में आपको सेम 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आपको मारुति आर्टिगा में मिलता है। सेम 1.5 लीटर के सीरीज इंजन आपको इस कार में देखने को मिलेगा, जो 103 bhp की पावर और 136 nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये कार सीएनजी वेरिएंट में भी अवेलेबल रहेगी। जिस तरह से मारुति आर्टिगा सीएनजी वेरिएंट में आती है, उसी तरीके से ये कार सीएनजी एंड पेट्रोल दोनों वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। एंड जो लोग एक सब्सिट्यूट ढूंढ रहे थे मारुति अर्टिगा का, उन लोगों के लिए एक और ऑप्शन खुल गया है मार्केट में, एंड अब वो टोयोटा रिमियन की तरफ भी जा सकते हैं। वैसे यार, दोनों एक ही प्लांट में बनेगी गाड़ियां, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज और स्ट्रक्चर वाइज ज़्यादा डिफरेंस आपको दोनों कारों में देखने को नहीं मिलेगा। सेम बिल्ड क्वालिटी, सेम स्ट्रक्चर क्वालिटी के साथ ये दोनों कारें आ रही हैं। इसके अलावा बात करें इस कार के एक्सटीरियर लुक की, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस कार में। सो फ्रंट एंड रियर प्रोफाइल में काफी माइनर चेंजेस किए गए हैं। बात करें फ्रंट प्रोफाइल के चेंजेस की, तो इसमें आपको ग्रिल इस बार चेंज देखने को मिलेगी, एंड इसमें क्रोम का यूज आपको देखने को मिलेगा। हेडलैम्प यूनिट में कोई चेंजेस नहीं किया गया, ये आपको सेम अर्टिगा वाले ही हेडलैम्प यूनिट इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा फॉग लैम्प की हाउसिंग इस बार थोड़ी चेंज देखने को मिलेगी इस कार में, एंड स्किड प्लेट को भी चेंज कर दिया गया है। इस बार स्किड प्लेट में आपको क्रोम का यूज देखने को ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप देखोगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को, तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको क्रोम एलिमेंट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, एक्सेप्ट इसके अलॉय व्हील्स के। अलॉय व्हील का डिजाइन इस बार चेंज किया गया है। अब इसमें आपको ड्यूल टोन मशीन कट अलॉय व्हील मिल रहे हैं, जो कि अर्टिगा से डिफरेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसके अलॉय व्हील ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या अर्टिगा के अलॉय व्हील ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा बात करूँ रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में जो चेंजेस किए गए हैं वो भी बहुत ही माइनर हैं। अब आपको इसमें टेल लैम्प को मर्ज करती हुई एक क्रोम प्लेट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको रियर प्रोफाइल में टोयोटा की बैजिंग, इसके अलावा न्यू स्मार्ट की बैजिंग, जो कि टोयोटा अपने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ देता है। इसके साथ आपको एलईडी टेल लैम्प का सेटअप भी देखने को इस कार में मिलेगा। इसके अलावा रियर में और ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बात करते हैं कार के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी आपको एज सच कोई ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेम इंटीरियर जो आर्टिगा में आपको मिलता है, सेम इंटीरियर इन्होंने रिमियन में भी यूज़ किया है। तो इंटीरियर में भी आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिए गए हैं। सिर्फ एक चेंज आपको मिलेगा इसमें, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका आ रहा है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट एंड एप्पल कनेक्ट का फीचर मिल जाएगा। इसके अलावा इंटीरियर आपको सेम ही मिलेगा, सिर्फ जहाँ पे मारुति की बैजिंग है वहाँ पे टोयोटा की बैजिंग हो गई है। इसके अलावा इंटीरियर में और ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो आपको इस कार से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बिल्कुल फ्रेश डिज़ाइन या फ्रेश लुक के साथ कोई कार मिल रही है, वैसा नहीं है। ये ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टू आर्टिगा ही ये कार रखी गई है। इसके अलावा अब बात करते हैं इस कार में मिलने वाले वेरियंट्स की, तो ये कार तीन वेरियंट्स के साथ मार्केट में आई है, SGNV। तो एस वेरिएंट में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ सीएनजी का ऑप्शन भी सिर्फ इसी वेरिएंट में दिया गया है, ये इसका बेस वेरिएंट है। बात करें मिड वेरिएंट की, तो मिड वेरिएंट में सिर्फ आपको मैनुअल का ही ऑप्शन दिया गया है। एंड बात करें इसके टॉप वेरिएंट व्हिच इज वी वेरिएंट में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग एक सीएनजी कार चाह रहे हो, तो सीएनजी आपको सिर्फ और सिर्फ बेस मॉडल में ही देखने को मिलेगी। तो अगर जो लोग इसका सीएनजी वेरिएंट ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको बेस वेरिएंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। इस बार टोयोटा ने कुछ कनेक्टेड फीचर्स भी आपको इस कार में दिए हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी एंड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, जिसके थ्रू आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी कार का एसी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड फाइंड योर कार का ऑप्शन भी इस कनेक्टिविटी फीचर में मिलता है। तो गाइस, अगर आप मुझसे पूछोगे कि दोनों कार इतनी सिमिलर है, तो टोयोटा की इस कार की तरफ क्यों जाया जाए, तो
तो मेरा आंसर उसमें यही होगा कि अगर आप इस कार की तरफ जाते हो तो इसमें आपको कुछ एडिशनल वारंटी मिलेगी जो टोयोटा की तरफ से ऑफर की जा रही है। इसके अलावा अगर आप इस कार की तरफ जाते हो तो आपको इसमें टोयोटा का कस्टमर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अच्छा, जो फैसिलिटीज जो टोयोटा जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, वो आपको इस ब्रांड के साथ मिलेगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर जो लोग आर्टिका लेना चाहते हैं उनके लिए। एक और सब्स्टिट्यूट आ गया है मार्केट में, तो वो लोग इसकी तरफ भी जा सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप दोनों में से किस कार की तरफ जाना चाहेंगे। एंड इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।